हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बनाना बताएंगे पनीर मटर की सब्ज़ी। तो उसके देख लेते हैं क्या क्या सामग्री लगती है उसके लिए। जी, हमने प्याज ले लिया कटा हुआ, ये प्याज है पिसा हुआ, ये हरा मटर, ये अदरक मिर्चा लहसुन पेस्ट, और ये थोड़ी सी हमने ली है मलाई, और ये टमाटर पेस्ट, ये पनीर है 250 ग्राम, और ये हो गया धनिया, और कुछ मसाले हमने लिए हैं जैसे हल्दी, नमक, जीरा और पनीर मसाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। तो हमने गैस रख दिया, कढ़ाई गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया, और तेल लाल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, तो गैस हम सबसे पहले डालेंगे इसमें तेज़पत्ता, फिर हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब तेल लाल हो गया है, इसमें प्याज ऐड करेंगे। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम प्याज, फिर जब ये थोड़ा थोड़ा हो गया है गोल्डन ब्राउन, फिर इसके बाद हम इसमें अदरक मिर्चा लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे, फिर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हम इसको देखिए, अभी ये अच्छे से जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। अब गैस इसमें हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। फिर भी इसको भी हम 10 से 15 मिनट पका लेंगे अच्छे से। इसे हम 2-2 मिनट चलाते रहेंगे, ये जले ना नीचे से, बस इसको कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। फिर इसमें हम टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए हल्का हल्का तेल थोड़ा साइड साइड से बगल बगल से, हम इसको अभी और 5-10 मिनट भूनेंगे। हम इसको एकदम अच्छे से पका लेंगे, फिर इसके बाद टमाटर इसमें ऐड करेंगे। देखिए साइड साइड तेल थोड़ा, इसमें भून लेंगे अभी और थोड़ा सा भूनेंगे एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद हम इसमें आप बाकी सामग्री डालेंगे। देखिए कुछ इस कलर का हो जाए तो आप इसमें टमाटर डालिए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। फिर हम इसको मिक्स कर देंगे, फिर इसको 10-15 मिनट पकाएंगे। देखिए गाइस, में टमाटर डालेंगे बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से। देखिए गाइस, इसको फिर हम इसे पकाते रहेंगे अच्छे से, भूनते रहेंगे जब से ये साइड साइड से तेल मसाने लग जाए। देखिए गाइस, ये सब जगह से तेल अच्छे से निचोड़ रहा है, मतलब ये हो पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे एक बार, फिर हम इसे ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिस वजह से मटर जल्दी से पक जाएगा और मसाला भी। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए हम इसको अभी, अब हम इसमें मसाला ऐड डालेंगे। बस इसको हम मिक्स करेंगे, फिर इसमें जाएगा पनीर। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे अच्छे से। सो गाइस, फिर इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। मसाला पक चुका है, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसे एक बार चला लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें मलाई ऐड करेंगे।
ये घर की मलाई है। फिर इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, कस्तूरी मेथी। तो गाइस बस मेरी सब्ज़ी तैयार है, इसको 5-10 मिनट पकाइए अच्छे से। और 10-15 मिनट पकने के बाद हमारी सब्ज़ी कुछ ऐसे दिख रही है गाइस।